गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर महेश्वर। श्री काल भैरव, आज आश्रम से सूर्योदय का इतना सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर। धुंध लगी हुई है, ठंड हो रही है इस समय, एकदम शांत। बहुत सुंदर लालिमा लिए हुए आप लोग सुबह जब भी आश्रम आए, या जब भी आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपको उगते हुए सूर्य पे ध्यान करने का हृदय बने, तो अवश्य एकटक कमर गर्दन पूरा एकदम सीधी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और एकटक सूर्य के इस रूप को अवश्य देखें। ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है, त्राटक की विधि में आता है, और बिना किसी विचार के सिर्फ देखें, अवाक होकर देखते रहें, एक जैसे बच्चा देखता है वैसे देखें, सिर्फ देखते रहें इसको एकटक। ध्यान की बहुत अच्छी विधियों में से माना जाता है। शुरुआत में 5 मिनट करें और धीरे धीरे 10 मिनट और फिर धीरे धीरे आधे घंटे तक लेके जाएं इसको। बहुत ज़्यादा सूर्य तेज में हो जाए तब न देखें, लालिमा लिए भी हो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उतना देखें। इससे कई सारे लाभ हैं। एक तो आपकी आंखों में तेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिनके सूर्य नीच के हैं या जिनकी सूर्य की एनर्जी कम है कुंडली में, वो बढ़ेगी। दूसरा, उगते हुए सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं तो एक भाव आपके भीतर उत्पन्न होगा कि आपको भी उगते हुए सूर्य की तरह ही कार्य करना है अपने जीवन में, न कि निस्तेज होते हुए। यहाँ पे इतनी ठंड हो गई इस समय कि गले में प्रभाव दिख रहा है। कल रात भर साधकों को खुले आकाश में चांद की तारों की छांव में साधना कराई, पुनः 4 बजे से सुबह साधकों को बैठाया है साधना करने के लिए। त्राटक के लिए तो मैंने काफ़ी शिविर भी लगाए हैं, बहुत सारे साधकों को त्राटक का लाभ हुआ है। त्राटक से क्या क्या लाभ हैं वो तो खैर आपके अंदर आपके भीतर की बात है। साधना तो मैं लगातार करवा ही रहा हूँ, बाकी जो इच्छुक होंगे साधना के लिए वो आ ही रहे हैं। आपकी भी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। इतना सुंदर मनोरम दृश्य, कैमरा बहुत मोबाइल है तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं ले पा रहा, लेकिन फिर भी बहुत मनमोहक है।
धुंध छाई हुई ज्यादातर। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, गेट के पास से। अब देखिए सूर्य बादलों में छुप रहा है, बादल हो रखे हैं, ठंड बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर, बारिश हो जाएगी तो और तीव्र हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्रेंस बना हुआ है, इधर से बहुत अच्छे साधक विनय जी अपनी साधना भी कर रहे हैं आलोक जी, और आश्रम की सेवा में भी हैं। कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं इनको स्वयं को नहीं पता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।